अघोषित बिजली के कटों से सोलन की जनता बेहद परेशान हो चुकी है। कोविड के चलते पहले ही शहरवासी मंदी की मार झेल रहे थे, ऊपर से बिजली के लगने वाले कटों से व्यवसाय भी ठप पड़ते जा रहे हैं। इस दोहरी मार से शहरवासी खासे परेशान नजर आए। शहरवासियों ने स्थिति पर भारी रोष भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग किसी भी शिकायत पर गौर नहीं कर रही है, शिकायत करने वाले की आवाज को दबाने का प्रयास भी किया जाता है, जनप्रतिनिधि भी कोई सुध नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते सोलन शहरवासियों को परेशानी बढ़ती जा रही है और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वे अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएं। सोलन के व्यवसायी विवेक शर्मा ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिजली के अघोषित और घोषित कट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हारमोनियम और तबला बजाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, जैसे उन्हें आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। आम जनता जब बिजली विभाग के कर्मचारियों से प्रश्न पूछती है तो उन्हें अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है। सोलनवासी उस स्थिति से गुजर रहे हैं जहां वे आज भी गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जिन्हें सोलन की जनता ने इसलिए चुना था ताकि वे सोलनवासी की समस्याओं को हल करेंगे, लेकिन वे भी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। घोषित कटों का काफ़ी समय से चल रहा है, जिसमें एक्चुअली उत्तरदायी कोई होना नहीं चाहता। जब सामान्य आदमी प्रशासन या बिजली विभाग से सवाल पूछता है तो उसे बहुत वहाँ ह्यूमिलेट किया जाता है, और अगर वो कड़ाई से सवाल पूछने की कोशिश करता है या ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश करता है तो विभाग के अधिकारी सरकारी काम में हस्तक्षेप कह कर के कानूनी कार्रवाई के लिए प्रताड़ित करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के अघोषित कट लग रहे हैं, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, जिन हमारे जनप्रतिनिधियों को ये काम दिया गया है कि वो जनता के दुख दर्द को लेकर के प्रशासन के समक्ष मामला उठाएं, वो अपनी भजन संध्या में व्यस्त हैं। हमें किसी की आराधना या साधना पे कोई आपत्ति नहीं है, दुर्भाग्य ये है कि उसमें जो तबला और बाजा बजता है ना, वो आम आदमी का बजता है। ये सबसे ज़्यादा दुखद घटना है और आम आदमी इसमें बहुत प्रताड़ित है। जो चंद मुट्ठी भर जनप्रतिनिधि प्रश्न पूछने का मादा रखते हैं, उनकी स्थिति यह है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में स्वतंत्रता सेनानियों की थी। हालत देश की बिगड़ती जा रही है और ये बड़ा चिंता का मामला है, और प्रशासन का बहुत दबाव बढ़ रहा है। इस पर सब लोगों को, सामान्य लोगों को विचार करना होगा, मेरा तो इतना ही मानना है। इसमें प्रश्न इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, अन्य विभागों में भी ये हालत है, हर जगह ये हालत है। प्रशासन उसके लिए उत्तरदायी होना नहीं चाहता, जनप्रति प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं रखता। अंततः जो आम सामान्य आदमी है वो परेशान है, और वो तब तक परेशान होता रहेगा जब तक वो अपने अधिकार का उपयुक्त उपयोग नहीं करेगा। आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों को अपनी सोच का मादा परिवर्तित करना होगा।